हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ठंडक बहुत तेज़ बढ़ रही है, तो कोशिश करिए कि आप घर पे रह के अपना जो है पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आज जैसा कि इसके पहले जो है मैथमेटिक्स का बहुत सारा वीडियोस मैं अपने पंसिल एकेडमी पे डाल चुका हूँ, आज जो है तुम सबको साइंस के बारे में समझाया जाएगा कि साइंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तथा इसके बाद सीक्वेंस से पार्ट वन फर्स्ट ऐसे ऐसे चलेगा। उसके बाद तुम सबको जो है मैं बताऊंगा कि टॉपिक क्या होते हैं, मतलब जो भी लेसन है उस लेसन के बारे में तुम सबको समझाया जाएगा। आज समझेंगे, इस क्लास में समझेंगे कि साइंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो साइंस, साइंस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? विज्ञान होता है। हर कोई जानता है कि साइंस आज जो है बहुत ज़्यादा महत्व है साइंस का, इसीलिए जो साइंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे लाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो जो है आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ साइंस का जो हिंदी होता है वो विज्ञान होता है, तो आपके मन में आएगा सबसे पहले कि साइंस होता क्या है। तो साइंस शब्द जो है ग्रीक शब्द साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, मतलब कुल मिला के साइंस को क्या कहा जा सकता है? नॉलेज कह सकते हैं। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान कह सकते हैं साइंस। अगर आपने साइंस को पढ़ा लिखा जाना तो आपके अंदर एक प्रकार का जो है ज्ञान आ जाएगा। उस ज्ञान को ही मतलब अपने पास रखना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस को हिंदी में जो है विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान क्या होता है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात जो विज्ञान होता है एक विशेष प्रकार का क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है? ज्ञान होता है, विशेष प्रकार का विज्ञान है। मतलब जो विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहा जाता है? मतलब जो है विज्ञान कहा जाता है, मतलब जो है क्या है? विज्ञान कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि समझ में आ ही रहा होगा। अब आपके मन में आएगा कि इसका साइंस का डिफिनेशन क्या होता है, साइंस जो है कितने कैटेगरी में बटा हुआ, ये आपके मन में जो है आ रहा होगा क्वेश्चन। तो साइंस का डिफिनेशन समझते हैं। जैसा कि तुम सबको मैंने बताया कि जो विज्ञान होता है वो विशेष प्रकार का क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है? ज्ञान होता है। आप समझेंगे कि कैसे मतलब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। तो विज्ञान 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 जो होता है इसको समझते हैं। विज्ञान जो होता है एक विशेष प्रकार का क्या होता है? ज्ञान होता है, जो किसी भी विषय का सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित द्वारा अध्ययन कर उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। मतलब जो विज्ञान होता है, विज्ञान एक एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है जो किसी भी सब्जेक्ट का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी विषय का सुव्यवस्थित एवं संगठित द्वारा अध्ययन कर लेना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये विज्ञान की डिफिनीशन नहीं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं किसी विषय का सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब ये जो विज्ञान होता है ये तीन भागों में बटा हुआ है। विज्ञान जो है मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों में बटा हुआ है। इसको जो है समझेंगे कि वो तीन कौन सा भाग है। तो समझते हैं कि विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो मुख्यतः जो है तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है भौतिक विज्ञान, सेकंड जो है रसायन विज्ञान, थर्ड जो है जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। तो आपके मन में आएगा सर जी ये भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स क्या होता है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री क्या होता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या होता है? आएगा, जरूर आएगा। हर किसी प्राणी को मतलब किसी भी मनुष्य को ये उनके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती है कि भौतिक विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान होता है। और जैसा कि आप सब भी मतलब ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है, समझते हैं एक एक के बारे में जो है विस्तार से समझेंगे।
अब देखो जो भौतिक विज्ञान होता है इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जो फिजिक्स शब्द है, यहाँ पे जो फिजिक्स है ये ग्रीक शब्द एक होता है, वो ग्रीक शब्द फ्यूसस शब्द से बना हुआ। किस शब्द से बना हुआ? फ्यूसस शब्द से बना हुआ है, ठीक है। किस शब्द से बना हुआ? फ्यूसस शब्द से बना हुआ है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका, ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है, एक ग्रीक शब्द होती है, ग्रीक शब्द होती है, ठीक है, ग्रीक शब्द के फ्यूसस शब्द से बना हुआ, PHUSIS, ठीक है, फ्यूसस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ है या मतलब जो होता है वो क्या होता है? प्रकृति होता है। प्रकृति का मतलब होता है नेचर होता है, ठीक है। आप यहाँ उम्मीद कर रहे होंगे कि आप समझ रहे होंगे क्या कहेंगे, मतलब फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द फ्यूसस शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज जो भौतिक था, जो आज भौतिक था, ये भैया मतलब इन फ्यूचर, इन पास्ट, मतलब जो है जो बीत चुका हुआ है, उस समय इसे जो है प्रकृति अथवा नेचर के नाम से जाना जाता था। आपके मन में आएगा सर जी कि भौतिक विज्ञान जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है? तो ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है प्राचीन भौतिक विज्ञान, एक होता है प्राचीन भौतिक विज्ञान, और एक होता है आधुनिक भौतिक विज्ञान। एक होता है प्राचीन भौतिक विज्ञान, एक होता है आधुनिक भौतिक विज्ञान। प्राचीन जो भौतिक विज्ञान होते हैं उसके खोजकर्ता कौन है? तो आपका जवाब होगा सर जी, उसके खोजकर्ता न्यूटन जी हैं। और जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है उसके खोजकर्ता कौन है? तो आपका जवाब होगा आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन है। आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मतलब जो है आपको ये बात समझ में आ गया कि भौतिक विज्ञान जो होता है वो क्या होता है? ग्रीक शब्द फ्यूसस शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है प्रकृति अथवा नेचर होता है, ठीक है। अर्थात जो आज फिजिक्स या भौतिक विज्ञान था, ये फिजिक्स पहले फ्यूसस था, और जो भौतिक विज्ञान है ये कभी जो है नेचर या प्रकृति के नाम से हुआ करता था, ठीक है। अब ये जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक प्राचीन भौतिक विज्ञान, दूसरा आधुनिक भौतिक विज्ञान। तो जो प्राचीन भौतिक विज्ञान है, तो प्राचीन भौतिक विज्ञान के जो जन्मदाता हैं या जिसके खोजकर्ता हैं वो हैं सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जन्मदाता हैं उनका नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। पूर्ण विज्ञान इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द या केमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला मिट्टी, ठीक है। अब समझो काला मिट्टी, तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो है अक्सर हर कोई पूछ लेता है या जो है ये चीज़ें आ जाती है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द कीमिया या केमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला मिट्टी, ठीक है। अभी काला मिट्टी क्या होता है? क्योंकि एक देश हुआ करता था जिसका नाम अब मिस्र देश है। क्या है? मिस्र देश है। प्राचीन काल में इस देश का नाम था केमिया या केमी, कीमिया या केमी देश के नाम से जाना जाता था। वहाँ की मिट्टी काली थी, यही कारण है कि कीमिया धीरे धीरे जो है केमिस्ट्री में परिवर्तित हो गया, और जो उस देश का आज नाम है क्या? मिस्र देश, ठीक है। आप सभी को पता होगा, जीके में पढ़ाया गया होगा कि जो मिस्र देश है वो मिस्र देश की जो राजधानी हुआ करती है इस समय वो काहिरा होती है। क्या होती है? काहिरा होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं, रसायन विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम क्या है? लेवाइसियो। क्या नाम है? लेवाइसियो नाम है, ठीक है। जो, ठीक है, रसायन विज्ञान के जो पिता कहे जाते हैं उनको, ठीक है, उनका क्या नाम है? लेवाइसियो। रसायन विज्ञान के पिता कौन? लेवाइसियो। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवाइसियो हैं, ठीक है। लेवाइसियो को ही रसायन विज्ञान का पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। अब बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। बायोलॉजी, ठीक है, जैसा कि हिंदी में जीव विज्ञान या जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी जो है दो शब्दों में टूटा हुआ, बायो प्लस लोगस। बायो प्लस क्या? लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ कह सकते हैं, ठीक है, और लोगस का मतलब कहीं भी, लोगस सबको, आपको अगर कहीं नज़र आ रहा है तो लोगस का हमेशा समझना है स्टडी, मतलब जीवन। लाइफ का मतलब हिंदी क्या हो जाएगा? जीवन। और उसके बाद स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन। अर्थात अपने जीवन के बारे में, अर्थात अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जो जीव विज्ञान होता है वो जीव विज्ञान के खोजकर्ता की मैं अगर बात करूँ तो खोजकर्ता कौन है? तो आपका जवाब होगा अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक है। मतलब जो है जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा अरस्तु, ठीक है। और कुछ बातें समझ लेते हैं इस वीडियो में, समझते हैं।
भौतिक विज्ञान जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राचीन भौतिक विज्ञान, दूसरा आधुनिक भौतिक विज्ञान। प्राचीन भौतिक विज्ञान क्या होता था, पहले जो है लोग जो है इसके साक्ष्य प्रमाण जो है नहीं दे पाते थे, लेकिन जो है आधुनिक भौतिक विज्ञान में साक्ष्य प्रमाण मिल गए। जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है अब इसको प्रूफ भी लोग करने लगे हैं, और जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर पे बहुत सारे जो है कंपनियों में कार्य भी होते रहते हैं, हर चीज़ मतलब एक दूसरे से रिलेट होता रहता है, मतलब इसके साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। रसायन विज्ञान तीन प्रकार का होता है, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान, दूसरा अकार्बनिक रसायन विज्ञान, तीसरा भौतिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन किसे कहा जाता है, कार्बनिक रसायन उसे कहा जाता है जो कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक कहा जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान उसे कहा जाता है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान उसे कहा जाता है जो कार्बन के अलावा शेष तत्वों तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्बन तथा उसके अलावा शेष तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जो अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है, तो भौतिक रसायन विज्ञान उसे कहा जाता है वह रसायन विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम तथा सिद्धांतों के बारे में पढ़ा जाता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उसके बाद जो है रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है कि नहीं, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में। जीव विज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या क्या होता है, जंतु विज्ञान जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के खोजकर्ता भी अरस्तु जी हैं, और वनस्पति विज्ञान के जो खोजकर्ता है वो थियोफ्रैक्टस है। कौन है, थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जो जन्मदाता कौन है, थियोफ्रैक्टस, और जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु। रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, लेवाइसियो। और रसायन विज्ञान के जो कार्बनिक होते हैं, प्रयोगशाला में सबसे पहले वह कौन सा यौगिक था जो सबसे पहले जो है उसको लाया गया था, उसका नाम है यूरिया। क्या नाम है, यूरिया।